हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ सभी को ध्यान से देखना। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य में रहती हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसी भी राज्य में अगर रहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें बताने वाला हूँ आप सभी को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो तो उसकी जो स्कीमें और योजना आती हैं दोस्तों, अगर आप छोटे से गांव में रहते होंगे तो आपको योजना के बारे में नहीं पता चल पाती है दोस्तों, ठीक है। इसी चक्कर से मैंने सोचा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। मैं आपको सही से बता दूँ, ये वीडियो दोस्तों अगर आपने मिस कर दी तो गारंटी बता रहा हूँ आपको कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बहुत जल्दी आपको नहीं पता चलने वाली है। और आपको बता दूँ कम से कम 500 से 600 ऐसी स्कीम है जो आपको नहीं पता होगी, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जो आपको पता होगी दोस्तों। आप करना क्या, ध्यान से देखना इस वीडियो को, तभी दोस्तों आपके समझ में आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। ये पोर्टल का नाम दोस्तों कौन सा है, वीडियो के लास्ट में दोस्तों बताऊंगा दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो स्कीमें हैं 1470 योजना दोस्तों, ठीक है, 500 सेंटर की है, 970 स्टेट की है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी कैटेगरी दोस्तों आपको मिल जाएगी, पब्लिक सेफ्टी हो या एग्रीकल्चर से हो या हेल्थ के लिए हो, सारी योजना सारी स्कीमें दोस्तों आपको यहाँ मिलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पर मैंने बता दिया साइन इन करना है। उससे पहले अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट दोस्तों बना हुआ है तो डायरेक्ट यूजर नाम या मोबाइल नंबर डाल के पिन नंबर डाल के हम सबमिट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पर जो सिंग इन लिखा है दोस्तों, आपको यहाँ से अकाउंट बनाना होगा आपके आधार कार्ड के थ्रू दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन दोस्तों हो जाएगा। तो मैं फटाक से अपना मोबाइल नंबर और जो मैंने पिन बना रखा है सिर्फ वो डालूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा डिजिटल लॉकर का पहले से ही बना हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ वही डालूंगा और ये खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही साइन इन करेंगे उसके बाद जितने भी उस नंबर से बने हुए होंगे सारे आपके नंबर से यहाँ स्कोर करा दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन OTP आएगा, OTP डालेंगे। ये प्रोफाइल पूरी खुलने के बाद दोस्तों उसके बाद जितनी भी स्कीमें होंगी दोस्तों आपके किस लेवल के हिसाब से है या नहीं है सारी योजना आपके सामने पता चल जाएगी, आप जिस भी एज से जिस भी कैटेगरी से दोस्तों बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको सब लाइव दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है डिजी लॉकर से आप क्या योजना का फ़ायदा किस किस चीज़ से देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हम सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल से देखना चाहते हैं दोस्तों, बाकी मैं अपनी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया जो मार्कशीट होते हैं उनमें हाइड अनहाइड भी दोस्तों कर सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इन दोनों पे जो आपको टिक लगाना है जिस भी तरीके से आप देखना चाहते हैं दोस्तों, मैं दोनों ही चीज़ से देखूंगा, अलाउ करूंगा। जैसे ही दोस्तों अलाउ करेंगे थोड़ी सी प्रोसेस लेगा, प्रोसेस दोस्तों होने के बाद आपके सामने पूरा दोस्तों इस तरीके से फॉर्म दोस्तों खुल के आ जाएगा। आपकी यूजर आई डी भी आ गई, एक्टिविटी आपके यहाँ पे कौन कौन सी एप्लीकेशन आपने सबमिट कर रखी है नहीं कर रखी है वो सारी चीज़ आपके सामने यहाँ शो करा दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बैग आते हैं और यहाँ पे अपने हिसाब से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप सर्च की भी कर सकते हैं और नहीं सर्च करना चाहते तो दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको फाइंड स्कीम करके। जैसे इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे आप फेल मेल या फीमेल आपको जिस तरीके से कैटेगरी के हिसाब से देखना है कि आप उसमें फंसते हैं नहीं फंसते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ से सबसे पहले दोस्तों डाल देता हूँ और अपनी एज वगैरह दोस्तों डाल सकते हैं। सारी चीज़ डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद दोस्तों जो चीज़ आपसे पूछते जाए वो आपको डालते जलाना है, आपके जो स्टेट है वो डाल देना है, आपके रूलर से हैं या अर्बन से या शहरी हैं ग्रामीण हैं, वो सारी चीज़ डालने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ पूछा जाएगा कि आप कौन से कास्ट में रहते हैं, कास्ट अपनी डाल लेंगे SC OBC वगैरह जनरल वगैरह, वो चीज़ चुनने के बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट दोबारा से क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों आपके सामने पूछा जाएगा कि आप डिपेंडेंट हैं, यस हैं, नो करेंगे। दोस्तों जो चीज़ मैं बता रहा हूँ फिलहाल उस हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पर माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी नहीं है तो दोस्तों आपको करके दोस्तों आगे बढ़ जाना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इतनी चीज़ दोस्तों डालने के बाद आप पूछा जाएगा कि आप स्टूडेंट हैं या मान लो स्टूडेंट नहीं है तो अपना कोर्स का काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयर हैं या खुद एम्प्लॉयर हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयर वगैरह जो भी होगा वो डाल सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं फाइनली येस करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों पूछा जाएगा कि आप BPL कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो सही है उसकी डिटेल पर, कि नहीं आते हैं तो दोस्तों आपको नो कर देना है दोस्तों। इस तरीके से मैंने नो करा और जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों लास्ट में, तो जो भी आपकी स्कीम के हिसाब से जो आपने डिटेल भरी है उसके हिसाब से जो भी स्कीम आपके एलिजिबल होंगे तो वो आपके सामने शो करा दी जाएगी, और नहीं होगा दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके, यहाँ बताया जाएगा कि नो स्कीम फंड दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर खुद से देखना है तो दोस्तों किस तरीके देखना है तो दोस्तों आप चले आते हैं सबसे जो होम स्क्रीन का ऑप्शन होता है ना उस पर आएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से तो आप दोबारा डिटेल भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या करेंगे दोस्तों अपने राज्य के हिसाब से दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका राज्य होगा तो राज्य के हिसाब से UT वगैरह होता है, UT वगैरह से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपके सामने सारे स्टेट खुलेंगे, जैसे लाल व्यू वाल पे क्लिक करेंगे सारे स्टेट आपके सामने खुल जाएंगे। तो दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश को देखना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 25 चलती हैं स्टेट की और बाकी चलती हैं 43 जो भी है स्टेट की कुछ सेंटर की सारी स्कीम आपके सामने शो करा दी जाएगी दोस्तों। ऑल स्कीम पर क्लिक करें तो ऑल स्कीम यानी टोटल स्कीमें हैं 468 दोस्तों। तो यहाँ पर सारी वो स्कीमें हैं जो मोदी और योगी मतलब स्टेट के और गवर्नमेंट के दोस्तों सरकार के हिसाब से चलाई जाती हैं दोस्तों, किस फायदा किसके लिए होगा, बूढ़े के लिए, बच्चे को, सारी स्कीम दोस्तों आपको यहाँ मिलेगी वाली है। इसके मैं यहाँ पे एक क्लिप एक पे कर देता हूँ किसी एक पे, तो पूछा जाएगा कि आपको दोस्तों जो मैंने बताया यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लानों के बारे में,
तो सबसे पहले उसकी डिटेल होगी, आप चाहो तो इसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, कोई नहीं, बेनिफिट बताया जाएगा, सारी चीज़ बताई जाएगी और उसके जो एलिजिबल होगा कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, किसके लिए है। उसके बाद लास्ट में आपको ऑफलाइन का भी ऑप्शन मिलेगा और ऑनलाइन का, अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन, ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन, ऑफलाइन का दोस्तों कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर हम ऑनलाइन करने की प्रक्रिया देखना चाहते हैं तो हम जैसे ही वेबसाइट पर क्लिक करेंगे ना तो वो ऑफिशियल वेबसाइट जो भी होगी तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको रिलोड करके दोस्तों डायरेक्ट वहाँ पहुँचा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं पीएम दर्शक करके यहाँ पे पूरा पोर्टल खोल चुका है। बाकी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे जो डिटेल मांगी जाएगी वो यहाँ पर दोस्तों भर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका जो मैं बता रहा था कि इसका जो नाम है दोस्तों कौन सा पोर्टल है, देख सकते हैं पूरा फॉर्म दोस्तों खुल गया है, आप चाहो तो इसमें डिटेल भर भी सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि जो मैं वेबसाइट बता रहा था कौन सी वेबसाइट है, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों हाइड हटा दिया है, तो इसका नाम है दोस्तों माई स्कीम करके, दोस्तों होम पेज सारा यही मिल गया, myscheme.gov.in करके, और इसका दोस्तों आपको नाम यहाँ पे शो करा दिया जाएगा और मेरा इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहाँ भी दोस्तों बता दूंगा। तब तक दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।